हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजी फिल्मी नज़ारा। आज हम बात करने वाले दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म धूम 4 के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यशराज फिल्म की सबसे स्टाइलिश फिल्म धूम की चौथी मूवी की प्रतीक्षा ऑडियंस के बीच लंबे वक्त से चल रहा है। धूम 4 को लेकर वर्ष 2020 में कई बड़ी जानकारी आई, जिनमें बताया गया कि बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार इस फिल्म का भाग बन सकते हैं, किंतु फिल्म के मेकर्स ने किसी भी जानकारी पर पक्की मुहर नहीं लगाई तथा संत में वे सभी खबरें झूठी सिद्ध हुई। यदि धूम 4 को लेकर सामने आई ताजा रिपोर्टर की माने तो इसमें ऑडियंस को मेल चोर नहीं बल्कि फीमेल चोर दिखाई देंगी। विपुंग नाम के पोर्टल ने कुछ समय पहले ही अपने रिपोर्टर्स में इस बात की सूचना दी है कि यशराज बैनर ने धूम 4 में दीपिका पादुकोण को स्टाइलिश चोरनी के तौर पर पेश करने का निर्णय किया है। रिपोर्टर में बताया गया है कि दीपिका पादुकोण तथा यशराज बैनर के मध्य निरंतर चर्चा जारी है। इस वक्त दीपिका पादुकोण शूटिंग ड्रेस को अपने कैलेंडर में फिट करने का प्रयास कर रही है। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो धूम 4 की शूटिंग इस वर्ष के अंत तक आरंभ हो जाएगी। दीपिका पादुकोण ने अपने लंबे वर्ष करियर में कई बार एक्शन किया है, किंतु माना जा रहा है कि धूम 4 का एक्शन उनके प्रशंसकों को भी चौंका कर रख देगा। इसमें वो हॉलीवुड स्तर के एक्शन सीन्स फिल्माती नजर आएंगी। बताते चले कि धूम 4 से अब तक रणवीर सिंह, शाहरुख खान, सलमान खान तथा रणबीर कपूर के नाम भी जुड़ चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।